नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। It's a penalty to Puerto Rico and a good chance for them to take an early lead in this fixture. इस पद का उद्देश्य नहीं शांत भवन में टिक बहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। श्री जयशंकर प्रसाद जी की इन पंक्तियों का जीता और जागता वह उदाहरण है श्री वीरेंद्र सिंह रावत, जिनकी कठिन तपस्या रंग लाई। इस तपस्या से होकर रंगों को बिखेरते हुए श्री वीरेंद्र सिंह रावत ने अपने गांव, जिला, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत आज आपको अपने जीवन की उन घटनाओं से अवगत कराने जा रहा हूँ जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। और मेरा बस एक ही जुनून है, वह है फुटबॉल। श्री वीरेंद्र सिंह की परिभाषा इनके दोस्त परिवार वाले बताते हैं कि ही ईट, स्लीप, वॉक एंड थिंक ओनली फुटबॉल। इन पंक्तियों में रोमांच भी है और रोमांस भी अपने जुनून को लेके। खेल के पीछे इन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा। गरीबी और खेल, यानी एक तो गरीबी की मार और ऊपर से खेल से प्यार। लोगों ने कहा दो नावों पे एक समय पर न हो सवार, ये नदी तुमसे न होगी पार। पर श्री वीरेंद्र सिंह जी ने अपने नियत को नीति में ढाला और चल पड़े। मैं बहुत गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ, बड़ा संघर्षपूर्ण हमारा गरीबी का जीवन रहा है जिसमें हमने गाय भैंस पाली, दूध बेचा। पहली नौकरी और फुटबॉल खेल में पहला ब्रेक इनसे सुनते हैं। सबसे पहले सन जब मैं 11th क्लास में था तो मुझे नौकरी मिली 50 रुपए की। मेरे जीवन का सबसे पहला मेहनताना जो मुझे मिला, मुझे बड़ी खुशी मिली उसमें कि 50 रुपए में 30 रुपए मैंने अपनी माँ जी को दिए और 20 रुपए में 10 रुपए मैंने अपने अकाउंट खोला बैंक में, 10 रुपए मैंने अपने महीने के खर्चे के लिए रखे। तो ऐसी स्थितियाँ हमने देखी, बहुत गरीबी जीवन जिया। तो पर यह था कि हम लोग अनुशासन में थे क्योंकि हमारे भाई फौज में थे। खेल का पहला ब्रेक मिला फुटबॉल का, डांस क्लब वर्सेस दे रैंक्स में खेलता था। तो मैच चला था तो हाथ से जो गोल गया उस गोल मारने के बाद बड़ा विख्यात हो गया और अगले दिन ये अखबारों में और सभी मीडिया में कि भाई छोटे से बच्चे ने इतना गोल मारा और वो भी एक आश्चर्य गोल मारना और ये जबकि किसी को दिखा नहीं। और उसके बाद मुझे मेरी लाइफ में ब्रेक मिला। उसके बाद फिर मैंने स्टेट खेला, फिर नेशनल खेला, फिर मेरे कदम रुके नहीं। उसके बाद फिर मैंने 88 में 12th किया। 12th करने के बाद फिर नौकरी में जॉब मिल गई थी 500 रुपए की। राह में कई कठिनाइयां आई पर जॉब, स्टडी और फुटबॉल को कंटिन्यू रखा। ऐसा रहा कि वे समय निकालते रहे, खेलते भी रहे और अपना जॉब भी करते रहे। तो बड़ा एक सुकून और शांति मिलती थी कि भाई पैशन था क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और इधर उधर कहीं था नहीं, खेलना, पढ़ना और नौकरी करना। तो घर भी देखना है, अपना खेलना भी है, स्वास्थ्य पर भी सही भी रहना है। फिर मैं मैच खेल रहा था, एक बार मैच में मेरे पास क्या हुआ कि खिलाड़ी जो मेरा अटैकिंग मोमेंट था क्योंकि मैं बहुत अच्छा स्ट्राइकर था, लेफ्ट आउटर था, और मैं जब अटैकिंग मोमेंट में जा रहा था तो उसने मेरे चेस्ट पर ही पैर मारा। तो मैं मेरे चेस्ट में जो पसलियाँ थी वो माइनर उसमें फ्रैक्चर हो गया। तो मैं 6 महीने पूरा बेड पर रहा जिसमें मेरी वाइफ ने बड़ी हेल्प करी, तो मैं उठ नहीं पाया और पूरा ट्रीटमेंट किया मैंने उसका। उसके बाद फिर एक और इंसिडेंट हुआ, मैं 6 महीने बाद खड़ा हुआ, 1 साल बाद फिर एक इंसिडेंट और हो गया कि एक खिलाड़ी ने मेरे रीढ़ की हड्डी पे पूरा पुशअप किया, शोल्डर पुशअप किया और मैं गिर गया और जिसके गिरने की वजह से मेरे दोनों हाथ सुन्न हो गए, तो मैं पैरालाइज हो गया। तो मेरी वाइफ ने फिर उसके बाद फिर मेरी वाइफ ने फिर मदद करी, तो जिसे बोलता है कि तो अटांग नहीं थी मेरी वाइफ और आज भी है और उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से 6 महीने फिर मैंने ट्रीटमेंट किया। उसके बाद फिर मैं खड़ा हुआ, मतलब मैं गिरने के बाद फिर खड़ा हुआ। तो ऐसे कई दुर्घटनाएं होती रही पर खेलता भी रहा पर छोड़ा नहीं। जब ऐसा कुछ हो तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है जीवन साथी पर। इन्हीं से सुनते हैं उस समय पीड़ा में मुस्कुराती हुई इनकी पत्नी गीता रावत जी से। इनके रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी जिसके कारण इनका 6 महीने तक इलाज चलता रहा। एक बच्चे जिसने पैसों के अभाव से फुटबॉल में पंचर लगाकर प्रैक्टिस की और फिर वो क्षण आया जब उत्तराखंड और इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट था। भारत सरकार की संस्था फिक्की ने इनका नाम फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डेट फुटबॉल एसोसिएशन, जो फुटबॉल वर्ल्ड कप कराती है, उसकी सॉकर कॉन्फ्रेंस के लिए 2014 में लंदन भेजा। उत्तराखंड सरकार से पैसों का आश्वासन और इस टूर से फैसिनेशन 4 लाख रुपए ब्याज पर ले लिए। फीफा कॉन्फ्रेंस लंदन से बहुत कुछ सीख कर आया और बहुत सारी भविष्यों की उमंगों के संग, परंतु उस समय राज्य सरकार के 4 लाख के आश्वासन से बेहाल 20,000 महीने के ब्याज ने मेरे विश्वास को हिला दिया। चेहरे पर चिंताएं आने लगी जो परिवार वालों को भी सताने लगी।
मेरे एक मित्र ने स्पॉन्सर दिलवाया और उसने मेरे नाम को कमाया। मेरी एकेडमी को तो जाली रूप से हड़पाया और मुझे जेल के अंदर भी करवाया। वाह रे फुटबॉल, इस जिंदगी को तूने बहुत कुछ सिखाया। फुटबॉल के लिए नौकरी छोड़ी, कर्ज लिया, जमीन बेची, शोषण सहा, जेल गया और कई बार घायल हुआ। मैं कोर्ट कचहरी जाने लगा अपने कमाए नाम को वापस लेने के लिए। डिप्रेशन और कर्ज ने मेरी जिंदगी को बेसवाद कर दिया। ये बात तब की है जब मैं 10th क्लास में थी और मेरे पापा के साथ एक घटना हुई थी जिससे मेरे पापा का मनोबल बहुत ही गिर गया। थाने मुझे रात भर उन्होंने बैठा दिया और धाराएं भोग दी। मैं घबरा गया, सबने बोला तू 6 साल के जेल जाएगा, तेरी जिंदगी बर्बाद है, हम ये लाइफ खराब है। मेरी भाई आनंद फानंद में रात को भी आई, कागज लेके आई, रोते रहती थी क्या हो गया, ये सर कैसे जानो मैच खिला रहे थे। मैम ने भी किसी ने भी नहीं सोचा, खिलाड़ी वहाँ बोलते थे, रिक्वेस्ट करते थे सभी खिलाड़ी भी और जो हमारे साथ के लोग थे, कोच भी थे, भाई ये क्या क्या हो रहा है इसे। पर आज मुझे बड़ा उस सीन को देख के बड़ा दुख होता है, क्या वो दौर है जिसे कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने वो दौर देखा और वो आत्मा का दिन जैसे मुझे आज जमानत में छोड़ा तो मेरे अगले दिन और मिसाल बंदा भी देखी मेरे, वो बंदा भी मैं सहज कर सकता। मेरे वाइफ घर पे आया तो मैंने वाइफ को मैंने बोला मैं अपनी जीवन को लीला को समाप्त करता हूँ, क्योंकि मैंने जिंदगी फुटबॉल और बच्चों के भले के लिए काम किया, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन आज बच्चों मुझे इतनी बड़ी प्रताड़ना दिया और जितना बड़ा मेरे साथ शोषण किया और मुझे बदनाम कर दिया। मैं क्या किया इस जीवन के लिए, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, कर्जा ले लिया है, जमीन बेच दी मैंने और इतना सब कुछ कर लिया और आज इसके बाद मुझे इतनी पता नहीं मिल रही। पर मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे बच्चे जो दोनों बोलते रहे कि नहीं पापा घबराओ क्या है, तो आज पता नहीं भगवान ने मुझे उस समय दो मतलब एक हफ्ता तो मेरा ऐसा रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, फिर घबरा के मेरी वाइफ ने मुझे हिम्मत दी, मेरे बच्चों ने हिम्मत दी, फिर मैं हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट रातों रात गया, उन लोगों ने सारे मुखबर लगा रखे थे मेरे पीछे कि देखते रहो कहाँ जा रहा क्या जा रहा क्या करेगा ये हमारे खिलाफ, क्योंकि मैं पूरा दब चुका था, क्योंकि वो लोग पैसे वाले थे उनकी पकड़ मुआवज थी पर मेरी पकड़ कुछ नहीं थी, पर मेरे पास सिर्फ कागज़ थे, मेरे में जो अपने कागज़ थे, फिर मैं कागज़ लेकर हाईकोर्ट गया, वहाँ से स्टे लेके आया, जब स्टे लेके आया तो जब यहाँ पे स्टे लेके आया तब जाके उन्होंने मुझे मदद दी कि अगले दिन बोला कि ठीक है जी आपकी इंक्वायरी बैठेगी, इंक्वायरी बैठने के बाद आपको जो भी आपका न्याय होगा वो किया जाएगा। वो काफ़ी बुरा समय था जिस टाइम पे ये सब हुआ, पढ़ाई का प्रेशर अलग और घर में कुछ और चल रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बहुत हुई जिसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाई इतना जितना मुझे करना चाहिए था और मेरा रिजल्ट भी बहुत इफेक्ट हुआ उसमें। बाद में जब गलत गलत खबरें छपने लगी तब ये मतलब काफ़ी डिप्रेशन में आ गई थी, जिसके कारण इन्होंने मतलब इनके दिमाग में गलत गलत भावनाएं आने लगी कि हमें जीना नहीं चाहिए, ये ऐसे ऐसे फिर हमें सब मतलब हमने इनके भाई बहनों ने सब ने सपोर्ट किया इन्हें कि ऐसे नहीं करना चाहिए, मेरा हमें सच्चाई का सच्चाई से लड़ना चाहिए अपने लिए। समय बढ़ता रहा, अनुभव के साथ पत्नी और दो बेटियां, भाई बहनों का प्यार और हाँ हालातों को देखकर कई बार फुटबॉल से करवाया इनकार, पर ऊपर वाले का आशीर्वाद और फिर भी परिवार का अटूट प्यार। जीवन में सबसे बड़ा फर्स्ट प्यार जिसे बोलते हैं, पहला प्यार फुटबॉल रहा, उसके बाद मेरी माँ बाप रहे, उसके बाद मेरे धर्म पत्नी और मेरी दो बेटियाँ हो रही हैं, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे परिवार का, मेरे माता पिताजी का, मेरे भाई बहनों का, तो उनका मैं जीवन भर आभारी रहूँगा, उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ और आगे भी और उचित कार्य करता रहूँगा, जिसके आज उपलब्धियों के कारण मुझे आज 4 इंटरनेशनल अवार्ड, 17 नेशनल अवार्ड और 12 स्टेट अवार्ड प्राप्त हो चुके और आगे भी मैं इसी तरह कार्य करता रहूँगा। वीरेंद्र सिंह रावत जी को कोच और रेफरी के ऑफर आने लगे, लोग बुलाते थे इनकी मेहनत और ईमानदारी के कारण, लोगों की सफलता उनके बैंक बैलेंस से जानी जाती है या बैलेंस शीट से, तो इनकी कमाई ये बताती है कि इन्होंने 26,000 से ज्यादा बच्चों को नशे की ओर जाने नहीं दिया और खेल की ओर उनका रुझान किया। मैंने अपने जीवन में आज 22 साल में 26,000 बच्चों को खिलाड़ी कोचेस रेफरी को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, जिनका भविष्य बना चुका हूँ और जिसमें अधिकतर खिलाड़ी मेरे गढ़वाल रैपल, कुमाऊँ रैपल, बीजी रुड़की, ONGC, FCI, ऑडिट, इनकम टैक्स, एयरफोर्स,
और गोरखा राइफल कई उसमें आज कार्यरत हैं, अपनी लाइफ बना चुके हैं और 4 बच्चे मेरे आज इंडियन टीम में खेल रहे हैं और 1 बच्चा मेरा वर्ल्ड कप खेला है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं एक बच्चों को जागरूक कर रहा हूं, उनका भविष्य बना रहा हूं। इन्होंने उत्तराखंड जर्सी को फीफा में दिया है, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में फुटबॉल टिप्स दे चुके रावत जी के बहुत फैन हैं। इनका मानना है जितने भी बच्चे इनकी कोचिंग से होकर निकलते हैं वो फलदार पेड़ हैं जो समाज, प्रदेश और देश को उन्नति की ओर ले जाएंगे। अभी करने को बहुत कुछ है, जीवन के संघर्ष, रोजमर्रा की जरूरतें, पति होने का कर्तव्य, पिताजी होने का दायित्व निभा रहे ये मेरे पापा श्री वीरेंद्र सिंह रावत जी की संक्षिप्त में यह सफलता है और मैं उनकी बेटी प्रियांशी आप सबको इनके साथ जुड़ने का निमंत्रण देती हूँ। खेल आपको चुस्त, दुरुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। मुझे गर्व है अपने पापा पर। कहते हैं सफलता आदमी का दिमाग खराब कर देती है, पर श्री वीरेंद्र सिंह रावत जी ने अपने संघर्ष के दिनों को याद रखा है और इनका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि सब बच्चे खेल की ओर जुड़े, उन्नति करें, तरक्की करें, देश का नाम रोशन करें। इसलिए ये आज तक नहीं भूले हैं वो दिन जहां इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी, यानी कि समझदारी का बोध शुरू किया था। वो सरकारी स्कूल में हम आपको लेकर चलते हैं जहां ये आज भी उन बच्चों को फुटबॉल सिखाते हैं। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।